हेलो दोस्तों, मैं राजेश चौहान, माय यूट्यूब चैनल बुलेट मास्टर। दोस्तों आज मेरे पास एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड और इलेक्ट्रा, हमारी यूसी मॉडल जो हैं 2010 के बाद जो गाड़ी आई हैं उनमें साइड स्टैंड में बहुत प्रॉब्लम आती है दोस्तों, और साइड स्टैंड इनके बहुत जल्दी टूट जाते थे और इनका ब्रैकेट भी ख़राब हो जाता है। अगर आपको अगर ये प्रॉब्लम आती है, ब्रैकेट अगर आपका ख़राब हो जाता है, साइड स्टैंड टूटते हैं बार बार, तो आप कौन सा ब्रैकेट डालें इसमें और कौन सा साइड स्टैंड डाले दोस्तों, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही गाड़ी स्टैंडर्ड, आप देख सकते हैं दोस्तों। बाकी आपको ये देख रहे हैं साइड स्टैंड का ब्रैकेट किस तरीके से टूट गया है इसका। अब इसमें जो ब्रैकेट डालना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये रहा इसका ब्रैकेट, ये क्लासिक वाला ब्रैकेट है दोस्तों, ये हम इसमें लगाएंगे। ये इसका साइड स्टैंड, कौन सा साइड स्टैंड लगाएंगे ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी MRP भी और इसका पार्ट नंबर भी आप देख सकते हैं दोस्तों। ये रॉयल फील्ड का ओरिजिनल साइड स्टैंड है, बाकी खोलकर मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप बार बार साइड स्टैंड डाल डाल के परेशान हो चुके हैं दोस्तों, तो इस स्टैंड को डाल दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये क्लासिक का है और ये चौच वाला, ये ठोस होता है दोस्तों साइड स्टैंड। बाकी फटाफट से इसे खोल लेते हैं दोस्तों, इसके बोल्ट वगैरह जो भी है ब्रैकेट चेंज करने के लिए, फिर आपको दिखाते हैं। फटाफट से इसका खोल लेते हैं दोस्तों ब्रैकेट। ब्रैकेट खुल चुका है, ये इसका पुराना वाला ब्रैकेट, ये नया वाला। इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोस्तों दोनों में। इलेक्ट्रा का जो होता है वो पतला होता है, क्लासिक का हैवी होता है थोड़ा। बाकी करते हैं फटाफट से फिटिंग। इसका साइड स्टैंड लगा लेते हैं। अब इसकी स्प्रिंग फंसा दे रहे हैं। बाकी इधर से आप दूसरी साइड से इसके बोल्ट टाइट कर दे रहे हैं, लंबा वाला स्टड ये 13 नंबर का, ये 17 नंबर का नट। बाकी फिटिंग हो चुकी दोस्तों, बाकी जो हमारी प्रॉब्लम आ रही थी वो ख़त्म हो चुकी है। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।